छींक आना, उबासी आना या डकार आना, ये तीनों चीजें एक्चुअली क्यों होती है क्या आपको बताए? शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, पर हम आज की वीडियो में एक्चुअल साइंटिफिक वे में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले जानते हैं छींक क्यों आती है। हमारे नाक में तो आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे बाल मौजूद होते हैं। ये बाल इसलिए मौजूद होते हैं क्योंकि कोई बैक्टीरिया हमारे नाक में जाने से पहले वहां पर फंस सके, और उन्हीं बैक्टीरिया को निकालने के लिए हमारी बॉडी छींक का यूज करती है, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। पर बहुत सारे लोग छींक को आने से रोक देते हैं, पर मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इससे हमारे नाक और गले की सेल्स भी फट सकती है, इसलिए इसे कभी भी मत रोकिए। दूसरा है डकार आना। बहुत बार हम जल्दी जल्दी में खाना खा लेते हैं, या कभी कभी हम ऐसा खाना खाते जो ठीक से हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो इस बीच में हमारे पेट में एयर तैयार हो जाती है, और इस एयर को निकालने के लिए हमारी बॉडी डकार का यूज करती है। और आपको ये सवाल तो जरूर आया होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद भी डकार क्यों आता है? क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कार्बोनेट गैस होती है, और हमारी बॉडी सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद नॉर्मली उस कार्बोनेट गैस को डकार द्वारा बाहर डालती है। और लास्ट में उबासी आना। उबासी क्यों आती है? जब भी हमें किसी चीज में बहुत ज्यादा बोर होता है, या अगर हमें बहुत ज्यादा नींद आती है, तब हमें नॉर्मली उबासी आती है। जब भी हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तब हमारी बॉडी उबासी का यूज करके ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, या मोबाइल का एक्सेस यूज करके जब हमारा दिमाग हीट हो जाता है, तब भी ये उबासी हमारे दिमाग को शांत रखती है। एक्चुअली उबासी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो क्या आपको ये फैक्ट्स पहले से पता थी? नीचे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कीजिए, जिससे हमारा वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।